मैं हूँ अक्षय आनंद। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, महागठबंधन ने सीटों की ऐलान कर दी, उम्मीदवारों का भी ऐलान लगता है आज हो जाएगा। आज एनडीए के सीटों का भी ऐलान हो जाएगा। इस बीच पुष्पम प्रिया चौधरी से जुड़ी एक मुश्किल की खबर हम आपको बता रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी खुद बांकीपुर विधानसभा, जो पटना जिला में पड़ता है, वहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उनकी टक्कर पहले तो भाजपा के एक दिग्गज नेता नितिन नवीन से होने वाली है, जिनके पिता भी भारी बहुमत और भारी मार्जिन से इस सीट पर जीतते आए, तब से जब परिसीमन के पहले बांकीपुर को पटना वेस्ट कहा जाता था। बांकीपुर में भी नितिन नवीन ने भारी मार्जिन से जीत हासिल की, बावजूद इसके पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस सीट को चुना है। अब जो सबसे बड़ी मुश्किल प्लूरल्स पार्टी और पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ आ रही है वो ये कि चुनाव आयोग में अभी तक प्लूरल्स का रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पाया है, ना ही प्लूरल्स को अभी तक सिंबल मिला है। 8 तारीख नामांकन के आखिरी तारीख है, तो अगर प्लूरल्स के कैंडिडेट्स को पार्टी का सिंबल नहीं मिलता है, इस कंडीशन में क्या होगा? क्या प्लूरल्स के कैंडिडेट निर्दलीय अपना पर्चा भरेंगे? आगे देखना होगा। लेकिन अभी तो संकट की स्थिति और संकट के बादल जो है वो प्लूरल्स के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, प्लूरल्स के ऊपर मंडरा रहे हैं, क्योंकि आज यानी कि 4 अक्टूबर तक प्लूरल्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि लॉकडाउन के पहले ही प्लूरल्स ने पार्टी के रजिस्ट्रेशन और सिंबल के लिए आवेदन डाला था, मगर उसके बाद लॉकडाउन हो जाता है, प्रक्रिया फंस जाती है और यह खिंचते खिंचते अब फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के 4 दिन पहले तक पहुंच चुकी है। पुष्पम प्रिया चौधरी इकोनॉमी से जुड़ी बात करती हैं, एक अच्छा विजन लेकर बिहार आई हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हैं, उनके सहयोगी अनुपम सुमन पटना के नगर आयुक्त रहे, एक डायनामिक आईएएस ऑफिसर रहे और वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो पार्टी का संगठनात्मक ढांचा भी बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है। वो कहते हैं कि यह पार्टी घुसखोरी, धांधली, भ्रष्टाचार और डोमिनेंस से मुक्त रहेगी। अब देखना यह है कि ये पार्टी का एजेंडा और विजन तो साफ है, कई युवा भी इससे जुड़े, पार्टी भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, यहाँ तक कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद भी बांकीपुर सीट और मिथिला की एक सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मगर सिंबल का क्या? ईवीएम्स नाम और सिंबल को जानता है, तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में पेनिट्रेट करने में तो बहुत हद तक संभव रह सकती है, लेकिन और जो लोग प्लूरल्स के नाम पर जुड़े, उसके सिंबल के नाम पर जुड़ते, उन्हें किस तरह से टर्नआउट करेगी पार्टी, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर इंडिपेंडेंट पर्चा दाखिल किया जाता है तो और भी कई चुनौतियां पार्टी के लिए आगे आ सकती हैं। पहले फेज का नामांकन की आखिरी तारीख 8 है, अब देखना है कि प्लूरल्स की नैया पार्टी के सिंबल पर पार लग पाती है या कैंडिडेट इंडिविजुअल मैदान में जाते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में मैदान में जाते हैं। हर खबर हर अपडेट आप तक हम लेकर आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ HS न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।